हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूँ कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है ना, इसका लेक्चर नंबर 1 है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी समझना अब काफ़ी आसान हो जाएगा इन लेक्चर्स के बाद। तो स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो हेडिंग ही जो चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट अपने अंदर ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? पानी को और मिनरल्स को, है ना। पानी और खाना वगैरह, पत्तों में खाना बनता है, जड़ों से पानी जाता है। छोटे प्लांट की तो बात समझ में आ भी जाती है, यूकेलिप्टस, इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, उनमें जड़ से पानी आखिरी टॉप तक कैसे पहुंच जाता है। ठीक है, ये सारे रहस्य खुलेंगे इस चैप्टर में, जो कि एनसीईआरटी का है। इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में केवल पढ़ेंगे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, आखिरकार ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से साधन हैं ट्रांसपोर्ट के। बात समझ में आ रही है? चलें आगे, तो स्टार्ट करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 1, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हमारे पास सबसे पहली हेडिंग जो मैं बता रहा था क्या होने जा रही है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन, देन पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। धीरे धीरे करके इसके सारे लेक्चर्स हम लोग कवर अप करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कहना क्या चाहता है हमसे। कह रहा हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्री। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको अचंबा हुआ है कि हाउ वाटर रीचेस, पानी इतना ऊपर कैसे पहुंच जाता है? तुम्हारे घर में तो एक मंजिल चढ़ाने के लिए भी पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके पास तो कोई पंप भी नहीं है प्लांट के पास। तो क्या कभी आपको अचंबा हुआ है हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्री, उतना ऊंचे प्लांट में कहां कैसे पहुंच गया पानी? और या फिर फॉर दैट मैटर हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, या फिर फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई, या फिर हम कहें कि कैसे और क्यों सब्सटेंस मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है ना, एक तो उतना ऊंचे पहुंचे, फिर एक सेल से दूसरे सेल में वो कैसे मूव कर रहे हैं। वेदर ऑल सब्सटेंस मूव इन सिमिलर वे, क्या सारे सब्सटेंस इसी तरीके से मूव करते हैं, एक ही तरीके से मूव करते हैं सिमिलर वे, इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में। एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस, क्या मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस, क्या इनको सब्सटेंस को मूव कराने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है? अब ये कई सारे सवाल हो गए ना, ऑब्वियसली बात है। देखो बच्चों, अगर आप पढ़ते हो और आपके अंदर सवाल नहीं उठते हैं, क्यूरियोसिटी नहीं आती है, तो पढ़ना बेकार है। अब क्यूरियोसिटी नहीं उठ रही तो अब उठा लो, सोचो जरा, अब यहाँ पॉज कर दो, सोचो यार प्लांट है वहाँ तक जाता है, एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी, कैसे जाएगा? अच्छा, एक बार चला गया, मान लो कोई पाइपिंग सिस्टम होगा भी प्लांट के अंदर अगर, तो उस पाइप से पानी निकल के पत्तों के अंत तक कैसे पहुँचेगा? अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आने शुरू हो जाने चाहिए। आओ देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, प्लांट को जरूरत है, नीड टू मूव मॉलिक्यूल, किसको मूव कराना है? मॉलिक्यूल्स को। क्यों भैया? खाना बन रहा है कहाँ? पत्तों में। जरूरत कहाँ है? जड़ों में। उस खाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जड़ में। खाना ऊपर से मूव करके कहाँ जाएगा? जड़ में जाएगा। मॉलिक्यूल किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। ठीक है ना, तो वो जो मॉलिक्यूल है, कह रहा है प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल को मूव कराना है। कोई सब्सटेंस है, आयंस है, जो जड़ों से एब्जॉर्ब हुए हैं, वो जाने आखिरी पत्ते तक, तो उसको मूव कराना पड़ेगा ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्लांट्स की, छोटे प्लांट की तो कहानी अलग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जल्दी। ठीक है, मच मोर देन एनिमल्स, एनिमल्स से भी कहीं ज़्यादा। तुम्हारी हमारी हाइट मैक्सिमम कितनी होगी? 6 फीट 7 फीट, प्लांट 100-100 फीट के भी हैं। ठीक है ना, तो इतना ऊपर कैसे जाएगा जिनकी हाइट एनिमल से ज़्यादा है? दे आल्सो डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। हमारे पास क्या है? हार्ट है, पंप कर देता है वो, तो ऐसा प्लांट के पास है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर कैसे होता होगा? वाटर टेकन अप बाय द रूट, पानी रूट के द्वारा लिया जाता है, रूट लेता, सोखता है पानी को। हैज टू रूट, वाटर टेकन अप बाय रूट, पानी जो प्लांट के द्वारा लिया गया है, हैज टू रीच, उसे पहुंचना है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक हिस्से में।
अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, अप टू द वेरी टिप। वेरी टिप का मतलब सबसे टॉप पर, एक इमेजिन कर लो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा प्लांट है, बहुत ऊंचा, उसके सबसे टॉप पर जो पत्ता उग रहा होगा यहां पे भी पानी की जरूरत होगी, वहां तक पानी को जाना है। वेरी टिप, जो बिल्कुल टिप अभी उग रही है ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। द फोटोसिंथेट्स, देखो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स का मतलब जो फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाया गया, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाया गया तो फोटोसिंथेट बोल देंगे उसे। समझ लो ये वर्ड क्यों जरूरी है, नीट में आएगा, अगर फोटोसिंथेट का मतलब नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बात क्लियर हो गई। और फूड सिंथेसाइज बाय द लीफ, फोटोसिंथेट कह लो या फूड सिंथेसाइज बाय द लीफ, हैव आल्सो टू बी मूव, उसको भी मूव करना है, हैव आल्सो टू बी मूव्ड टू ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप। देखो रूट टिप आ गई यहां पर, रूट टिप एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। रूट टिप एम्बेडेड मतलब धसी हुई है, बहुत गहरी रूट, बड़ी बड़ी जड़ें होती है ना, बहुत लंबी चौड़ी अंदर तक चली जाती हैं, वहां तक खाना पहुंचाना है। ठीक है, तो ये सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट की जा रही है, पानी को ऊपर तक पहुंचाना, खाने को नीचे तक पहुंचाना है, कैसे होता है सारा कुछ। ये मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटा मूवमेंट, मान लो सबसे नीचे कोई पत्ता होगा सपोज लेट, तो यहां से लेके यहां तक ये छोटा छोटा डिस्टेंस होगा, या कोई छोटा पौधा है धनिया टाइप का, ठीक है ना, घास है, ये जड़ है, ये रहा पौधा, ऊपर पत्ते, ये रहे, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, उस छोटे डिस्टेंस की बात कर रहा है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल, अब यहां पर और छोटी बात कर दी, विद इन द सेल, सेल के ही अंदर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंड फ्रॉम सेल टू सेल। छोटे डिस्टेंस कितना ले लिया इन्होंने, सेल के अंदर एक सेल है, एक सेल से लेकर दूसरा सेल, ये एक डिस्टेंस ले लिया, अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहां से यहां पहुंचा दिया, बस जस्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करा दिया, एंड फ्रॉम सेल टू सेल, या फिर एक सेल दूसरा है, यहां से यहां पहुंचा दिया। तीन डिस्टेंस की बात की, और ये डिस्टेंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तुम्हें पता बहुत छोटे डिस्टेंस है ये। ठीक है, विद इन द टिश्यू, सेल टू सेल, विद इन द टिश्यू, एक ही टिश्यू के अंदर, हैज आल्सो टेक प्लेस। तो कह रहा है मूवमेंट जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन सेल टू सेल, मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल, विद इन द टिश्यू हैज आल्सो टेक प्लेस। ये वाले मूवमेंट भी होते हैं मॉलिक्यूल के, एक मूवमेंट तो ये लंबा चौड़ा हो ही गया, ये छोटे छोटे मूवमेंट भी होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा आगे, ये टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, अगर हमें समझना है कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को दैट टेक प्लेस, जो कि लिए जाते हैं या होते हैं प्लांट के अंदर, वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वंस बेसिक नॉलेज। ठीक है ना, जिसको समझना है उसको रिकलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना होगा बेसिक नॉलेज को अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो चैप्टर नंबर 8 आता है नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और उसको थोड़ा सा देख लो, आता है तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ प्लांट। अगर ये दो चैप्टर की बात कर रहा आता है तो बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। क्लियर है? ओके, वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट, यानी कि कौन सी दो चीजें हमें पक्के से पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल कैसा है, और एनाटॉमी। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट, हमको जरूरत है रिविजिट करने की, दोबारा से पढ़ने की, किसको, अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, पढ़ा था छोटी क्लास में, अब वापस से इसको समझना है हमको। बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, हमको केमिकल पोटेंशियल क्या होता है उसकी नॉलेज भी चाहिए होगी, और आयंस इसकी नॉलेज तो चाहिए, इसके अलावा डिफ्यूजन की भी नॉलेज होना जरूरी है। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट, डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं लेकिन इसको वापस से हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको ट्रांसपोर्ट की और डिटेल नॉलेज समझ में आएगी। बिसाइड वो तो पढ़ना ही है, किसके अलावा, केमिकल पोटेंशियल और आयंस, इसके अलावा हमको उसको भी समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एनसीईआरटी तुमसे बात करती है बशर्ते उसकी इंग्लिश समझ में आ जाए। क्लियर है कहानी है? आओ देखते हैं। When we talk of the movement of substance, जब हम बात करते हैं, movement of substances, substance के movement की, substance का मतलब तो पता है ना, कोई भी chemical, we need first to define, हमको जरूरत है सबसे पहले define करने की, what kind of movement, movement किस प्रकार का है,
वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार के मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करना जरूरी है ना। मूवमेंट भी कई तरीके के होते हैं, अभी समझेंगे हम लोग। एंड ऑल्सो वट सब्सटांसेस वी आर लुकिंग एट, और कौन से सब्सटांस जो है वो ट्रांसफर होंगे। ओके, इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटांसेस डेट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इन द फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटांस डेट वुड, जिनको ट्रांसपोर्ट होना है, कौन कौन से हैं? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन। तो कितनी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं? वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो खाना बन जाएगा उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, और प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि वो आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बना, क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट के अंदर, खासकर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। क्लियर है? ओवर, अब ये कहानियां खत्म होगी, अगली कहानी क्या बोल रहा है? ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सब्सटेंस मूव बाय, छोटा सा जो डिस्टेंस होता है, जो हम लोगों ने यहां बात कर रहे थे, छोटे छोटे डिस्टेंस जो होते हैं उनमें सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? बताता हूं अभी। सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसको सपोर्ट कौन करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों की बात कर लें, थोड़ा सा जिक्र कर लें, फिर डिटेल में भी आएगा। डिफ्यूजन बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, यानी कह रहा है शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज अगर हमको क्या करना है, मूवमेंट करवाना है, तो इसमें तीन चीजें होंगी, एक डिफ्यूजन होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जरूरत कहां पड़ेगी? सेल के अंदर। इसमें क्या होता है, ये सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर क्या होता है, साइटो प्लाज्म, ये ना गोल गोल घूमता है कई तरीके से। डिटेलिंग अपने कोर्स में ज़्यादा नहीं है, मैं बता दूं, ये ऐसे गोल गोल भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या जगह जगह छोटे छोटे बवंडर से होते ना, ये यहाँ गोल घूम रहा है, यहाँ गोल घूम रहा है, यहाँ गोल घूम रहा है, तो अपने अंदर ही अंदर कई बार साइटोप्लाज्म गोल 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 घूमता रहता है। इस गोल गोल घूमने को जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे भी घूम, गोल गोल भी घूम सकता है, ठीक है ना, जगह जगह पर, या पूरा पूरा साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बात समझ में आ गई? सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको सपोर्ट कौन करेगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। ओके, एक्टिव मतलब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो हमेशा याद रखना यहां पर हमको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना पड़ेगा, लिख लो, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एटीपी खर्च करने का मतलब हमेशा किससे रहेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंसेस, मार्क कर लेना। अब कह रहा है ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ट्रांसपोर्ट ओवर बड़े 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 लंबी दूरी के जो डिस्टेंस होंगे, प्रोसीड थ्रू द वस्क्यूलर सिस्टम, प्रोसीड थ्रू द वस्क्यूलर सिस्टम। जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए हमें वस्क्यूलर सिस्टम चाहिए होगा। वस्क्यूलर सिस्टम समझते ना, जाइलम एंड फ्लोएम, द जाइलम एंड द फ्लोएम। वस्क्यूलर सिस्टम में कौन आते हैं? देखो, वस्क्यूलर वर्ड की हिंदी लिख लो, वस्क्यूलराइज मतलब जहां पर वस्क्यूलर, ऐसी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करवाती हैं, उसको वस्क्यूलर कहा जाता है। ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम, ब्लड हमारा क्या है, वस्क्यूलर सिस्टम है, क्यों? हमारे सेल्स और टिश्यूज को वो पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। तो प्लांट वस्क्यूलर सिस्टम में कौन है? जाइलम और फ्लोएम, एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो लंबी दूरी का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? ये छोटी दूरी के लिए, और फिर नीचे जस्ट उसके नीचे उसने बात कर दी लंबी दूरी के लिए। बात समझ में आ रही है? अपने पास भी एक पेन रखो, जो चीजें मार्क करवाता हूँ उसको मार्क करते हुए चलना है, ठीक है ना। हर चीज मार्क नहीं करनी है, कुछ समझाने के लिए था, कुछ चीजें स्पेशल मार्क करवाता हूँ उसको तो पक्के से मार्क करनी है। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं, देखिए जरा क्या है इसमें आगे। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट, एक समझ लो कि बात, नीड टू बी कंसीडर्ड, जिसको कंसीडर, जिसे मानना जरूरी है, इज द डायरेक्शन, जानना जरूरी है या समझना जरूरी है, जिसे कंसीडर मतलब, कंसीडर करने का मतलब है जिसे हमें समझना है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। इन रूटेड प्लांट, जिन प्लांट की जड़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है?
गुड, वाटर को याद है, भूल गए कुछ लोगों ने कहा वाटर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम किसे करता है, वाटर का और मिनरल का, याद कर लेना इसको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल को। इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, पानी हमेशा, ये पॉइंट है नीट का इंपॉर्टेंट, पानी हमेशा क्या रहता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है, जड़ों से खींचा जाता है और आखिरी में ऊपर तक चलता चला जाता है, आखिरी तक यहां से जाएगा और लास्ट में क्या होगा, पानी भाप बन के ऑपरेट हो जाएगा, हमेशा नीचे से ऊपर रहेगा, हमेशा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा। ऊपर से नीचे कैसे आ सकता भैया, पानी ऊपर कम हो रहा है ना और नीचे बहुत सारा पानी, तो नीचे से ऊपर जाता है, यूनिडायरेक्शनल है, इंपॉर्टेंट। जाइलम के अंदर पानी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम रूट टू स्टेम्स, क्लियर है। अगली लाइन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि जो पत्तों में खाना बनेगा वो पत्तों से पत्तों में भी जाएगा, जड़ों में भी जाता है। जैसे समझा दूं मैं अभी, ये प्लांट पत्ते में खाना बन गया, जब पतझड़ आ जाएगा सारे पत्ते टूट जाएंगे, सारे पत्ते क्या हो जाएंगे, सारे पत्ते टूट जाएंगे, तो सारा खाना पत्तों से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है, जड़ों में आ गया, कहाँ आ गया, जड़ों में। अब नई कलियां फूटनी शुरू होती है, पत्ते तो है नहीं अभी, जो कलियां फूट रही हैं नई बन रही हैं उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, ये नए बर्ड आ गया इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, तो यही खाना वापस से इनके पास पहुंचेगा। तो जो खाना यहाँ पत्ते ने बनाया था वो पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, तो मल्टी डायरेक्शनल हो गया ये, प्लस साइड में भी जाएगा, तो ये क्या हो गया, मल्टी डायरेक्शनल, या फिर हम कहते हैं बोथ डायरेक्शन, अप भी जाता है और डाउन भी जाता है, कौन, ऑर्गेनिक। क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक, ग्लूकोज, स्टार्च है ना, जो स्टार्च फोटोसिंथेसिस करके बना है उसके अंदर क्या है, कार्बन कंपाउंड है ना, इसलिए तो ऑर्गेनिक कहा गया है, बच्चे भूल जाते हैं ऑर्गेनिक क्या है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बनेंगे, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी स्टार्च कहां बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, लीव्स में बनेगा। आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, वो हर एक प्लांट के पार्ट में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन को मिला करके प्लांट जिस पत्ते में बनाया उसके ऑर्गन में भी रहेगा स्टोर करके और बाकी जगह पे भी भेज देता है। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, भाई स्टोरेज ऑर्गन में क्यों स्टोर किया गया, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकलेगा, तो कह रहा है स्टोरेज ऑर्गन से उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है, दोबारा से एक्सपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा जहां पे जरूरत होगी। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन लेता है, उनको रूट्स खींचते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन, ठीक है ना। तो जो मिनरल न्यूट्रिशन है पानी के साथ साथ जड़ उनको खींचता है जमीन से, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपवर्ड ऊपर की तरफ इनटू द स्टेम लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन, जो रीजन ग्रो कर रहे हैं, कोई टहनी नहीं बन रही है, कोई पत्ता नया खिल रहा है, कोई फूल नया बन रहा है, उसकी तरफ उसको मूव करा देते हैं। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब जिसकी मौत होती है, सेनेसेंस मतलब डेथ, प्लांट का कोई हिस्सा जब जिसकी डेथ हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स मे बी विदड्रॉन फ्रॉम द सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट, ऐसा संभावना है, ऐसा अक्सर हो जाता है कि ज्यादातर हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो पत्ता मरने वाला होता है वो अपना क्या करेगा, सारा न्यूट्रिएंट्स निकाल करके भेज देता है किसकी तरफ, जहां पर कोई पार्ट ग्रो कर रहा होगा, है ना, एक पत्ता मर रहा है उसके बगल में एक पत्ता ग्रो कर रहा है तो उधर भेज देगा सारा, ठीक है। तो ये चीज भी होती है, जो पत्ता मरने वाला है वो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स निकाल करके कहां भेज देगा, दूसरी जगह पर चले जाते हैं जो पत्ता या कोई चीज ग्रो कर रही होगी प्लांट के अंदर। तो हर एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है, हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। एंड अदर केमिकल सिग्नल्स, कोई दूसरे केमिकल सिग्नल्स यानी केमिकल्स है हमारे पास जो सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को कि ये करना है वो करना है, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड, है ना, केमिकल सिग्नल तो समझ गए ना भाई, प्लांट को कब क्या काम करना है, कब कलियां फूल सवेरे धूप आती है खिलना है बंद हो जाना है, ये क्या केमिकल सिग्नल होते हैं उसके अंदर, है ना, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं यानी कि गर्म चीज को छू लिया हम लोग हाथ हटा लेते हैं, हमारा क्या था केमिकल सिग्नल गया दिमाग तक खींच लिया उसने हाथ, सेम प्लांट के अंदर भी क्या है केमिकल सिग्नल्स हैं जो केमिकल्स के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये भी क्या किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो
साफ साफ जरूर लिखा हुआ है, हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, सारी चीजें यहां लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, केमिकल सिग्नल्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्लियर है? दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अब ये अलग बात है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड केमिकल सिग्नल्स, ये बहुत ही छोटे अमाउंट में, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा केमिकल काफी है सिग्नल प्रोवाइड करवाने के लिए, अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब क्या कह रहा है, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब जहां से ये ग्रोथ रेगुलेटर बना है और मान लो रूट में बना, रूट से कहां जाएगा, पत्ते में, बस और कहीं नहीं जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रिक्टली एक ही डायरेक्शन में रहेगा, पोलराइज है, यहां बना यहां से यहां जाएगा, पत्तों में बना जड़ में जाएगा। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे हम लोग क्या कहते हैं उसमें हार्मोन्स वाले चैप्टर में, कि कैसे ये कुछ ऐसे होते हैं जो एक जगह बनते हैं दूसरी जगह जाते हैं कहीं और नहीं जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है स्ट्रिक्टली पोलराइज, जब वो कहीं और नहीं जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे बस, और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज, जहां ये बने टू अदर पार्ट, जहां उनकी जरूरत है। Hence in flowering plant there is complex traffic of compounds। इसीलिए हम कह सकते हैं flowering plant में एक complex, एक जटिल traffic है, कोई चीज यहां जा रही है, कोई यहां जा रही है, कोई यहां जा रही है ना, एक complex traffic of compounds है। ठीक है, but probably very orderly, but बहुत ही orderly manner में है, दिख रहा है हमको एक इधर उधर जा रहा है, लेकिन बहुत ही systematic है, जो एक यहां जा रहा होगा, यहां जा रहा होगा, देखेंगे बहुत systematic way में है, probably very orderly। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक अलग बात होगी, लेकिन ऑर्डर है, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा ना, एक ऑर्डर होगा, इसके बाद इसको आना है, इसके बाद इसको आना है, एक केमिकल दूसरे केमिकल के बाद आएगा, एकदम ऑर्डर होगा। ठीक है ना, ओके। मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर, हर एक ऑर्गन कुछ रिसीव कर रहा है, ठीक है, कुछ सब्सटेंस को एंड गिविंग आउट सम अदर, और कुछ अपने अंदर से निकाल के किसी दूसरे को दे दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है, तो ये कुछ बातें आप समझ में आ रही होंगी प्लांट के बारे में जो हम लोगों ने यहां पर की हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से एक बात बोलूंगा, फिर जो हमेशा बोलता हूं, पॉइंट्स को तोड़ लो, तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट अलग था, यहां से कट मार लिया, ठीक है, ये पॉइंट अलग था, ये पॉइंट कुछ अलग बात करने लगा, जितनी लाइन एक बात कर रही है उस लाइन को कवर करते चलो, ऐसे ऐसे मार्क करते चलो, ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर उसने किसकी बात कर दी, एकदम से हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, इसको अलग कर लो, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट्स है अलग अलग जो तुम्हें ये हमेशा ध्यान, अच्छा ये एक अलग बात हो रही थी, यहाँ पे इसने बात करी किसकी, यहाँ पे एक अलग बात स्टार्ट कर दी, किसकी बात कर दी, अगर कोई चीज मर रही है तो हर लाइन में एक अलग डाटा दे रहा है, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा 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 है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको तुम लोग समझ के नहीं समझो पढ़ोगे तो हॉटस्पॉट हो जाएगा, कितनी बातें, सेनेसेंस की बात कर दी, हार्मोन्स की बात कर दी, फिर ट्रैफिक की बात करते हुए वहां पर उसने एक और बात कर दी कि सेम ऑर्गन जो कुछ बना भी रहा है कुछ दे भी रहा है, एक और बात कर दी उसने। तो ये सब चीजें क्या है, यहां पर भी एनसीईआरटी में यही चीज लागू हो जाती है, चीजें कॉम्प्लेक्स हैं बट ऑर्डरली मैनर में है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके इनको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। आगे आते हैं, ये तो हो गया जनरल इंट्रो, अब स्टार्ट होता है कि आखिरकार भैया ट्रांसपोर्ट होते कैसे कहते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके हैं, ठीक है, डिफ्यूजन है, देन हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन आ जाता है पहले हमारे पास, जिसके अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव, सारी चीजें पढ़ेंगे बारी बारी से। स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पहले क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम सबको पता है क्या होता है, कोई चीज जिसका कंसेंट्रेशन हाई होता है और अपने लो की तरफ बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हो जाती है। क्या कह रहा है, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। अच्छा, पैसिव से यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कहोगे सर एक और टफ वर्ड दे दिया, अरे टफ वर्ड नहीं दे दिया, ये वर्ड आता है एक्सपेंडिचर, बिना एनर्जी का खर्चा, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और नो एटीपी यूज्ड, यहां पर कोई भी एटीपी यूज नहीं होती है। बात समझ में आई, डिफ्यूजन अपने आप हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कोई चीज इधर ज्यादा है इधर कम है तो अपने आप बहेगी ना, हाई से लो की तरफ, क्लियर है। और मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम सेल टू सेल। अब कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो दो बातें कर दी इसने यहाँ पर, डिफ्यूजन में दो बातें मिली, पहली बात क्या मिल रही है कि ये पैसिव है, क्या है ये, पैसिव है। दूसरी बात कहाँ क्या मिल रही है, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, सेल के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है, इतना बड़ा सेल है
यहाँ पे मान लो यहाँ से बाहर से कोई चीज़ आ रही, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेल और फ्रॉम सेल टू सेल, एक दूसरा सेल था, ये चीज़ यहाँ ज़्यादा हो गई है, इस सेल से यहाँ मूव कर जाएगी, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस या आसपास कहीं शॉर्ट डिस्टेंस में ये मूव कर जाएगी। से फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू द एंड स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। जो इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पर जो है, इंटरसेलुलर स्पेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्या हो गया? सेल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड, कहीं ये बाहर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बता दिया उसने, डिफ्यूजन बस छोटे से ही हिस्से में रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। दूसरी बात, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसने दो बातें करी। बात समझ में आ रही है कैसे पकड़ना है एनसीईआरटी को? यहाँ पर इसने मे फ्रॉम ये दो बात करता हुआ यहाँ से आ गया, कहाँ कहाँ पर ये डिफ्यूजन हो सकता है। फिर जो पैसिव में जो बात छुपी हुई थी, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर आ गया वर्ड, तो पैसिव का जिक्र उसने फिर दोबारा किया। पैसिव का मतलब नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है, टेक प्लेस, यहाँ पर किसी भी टाइप की एनर्जी खर्च नहीं होती है इन डिफ्यूजन। ओके, अब ये हो गया मेरे पास एक बात, डिफ्यूजन के बारे में डिफाइन कर दिया। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, रैंडम, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है ना, जाएगा सब इधर ही लेकिन रैंडम चलते हुए जाएंगे। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे चीजें बहुत सारी, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं इधर पे, ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा 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 है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, सबके सब जाएंगे इधर पर ही, सबके सब जाएंगे इधर पर ही, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मूव्स इन रैंडम फैशन बट इन अ सेम डायरेक्शन, नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन से वो कहां जाएगा? लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, एक ये बात, ठीक है ना, डिफ्यूजन के बारे में पॉइंट नंबर टू क्लियर है। कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, बात समझ में आ रही है? बहुत आसान, वेरी इजी, बस समझना है हमको। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, तीसरे के बाद यहाँ आ गई चौथी बात इसके बारे में, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डिफ्यूजन, पहला ये दे देगा, दूसरी ये देगा, तीसरी ये देगा, चौथी कुछ और दे देगा, पता होगा तो ठीक, वरना कहे काम से। कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। इसको लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, गैस है, अपना हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव कर जाएगी। जरूरी नहीं है कि कोई चीज लिविंग ही हो, वो डेड चीज के अंदर भी घुस जाएगी। बात समझ में आ रही? गैस का पता ना, गैस जैसे कि हमारी बॉडी से CO2 बाहर आती है, अंदर CO2 बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा लिविंग सिस्टम। अब आंधी तूफान में पता ही, जैसे नॉर्मल गैस क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम जिंदा ही हो, कोई मरा हुआ सिस्टम भी है। जैसे ये रूम में मेरा, मैं यहाँ पे बहुत सारी गैस, एक मशीन लगा दूँ, बहुत सारी गैस पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक गैस कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, मार्क कर लेना इसको, लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये फंसा देते हैं ये लोग यहाँ पर कि प्लांट के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है, क्या प्लांट जो ये है डिफ्यूजन है लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑफ डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड। जाहिर सी बात है, डिफ्यूजन किसका होता है? गैस का और लिक्विड का होता है। इज डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर होता है। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर देखो लाइन थोड़ी सी अजीब सी कर दी है, डिफ्यूजन इन सॉलिड, क्या सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होगा? तो सॉलिड के अंदर गैस वगैरह, पानी घुसता है अंदर, है ना, पानी को किसी लकड़ी को पानी में रख दो, पानी डिफ्यूज होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एनसीईआरटी खोल रखे तो लिख लो, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर इज मोर लाइकली होगा रेदर देन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है। तुम यहां पे सॉलिड है, तुमको सॉलिड अपने आप चलने लगे तो ऐसा नहीं होता है। तो सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा बट सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है। सॉलिड डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल है, मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा। लिख लेना इसको, बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन रहती है यहां पर लाइन, क्लियर है? आगे चलते हैं, ये लाइन एक खत्म हो गई यहाँ पे। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट के, ठीक है, सबको पता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का साधन है ये। सिंस इट इज ओनली मींस फॉर गैसेस मूवमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गैस का मूवमेंट, अगर प्लांट के अंदर गैस का मूवमेंट है तो किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से है, ठीक है ना। प्लांट बॉडी के अंदर अगर गैस डिफ्यूज करेगी तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। आगे आते हैं,
क्या कह रहा है, डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी तेज होगा, बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये बच्चों को बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों एक बात पकड़ लो यहां पर, ग्रेडियंट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जहां कहीं भी ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, है ना। जाहिर सी बात है जब तक अंतर नहीं होगा, है ना, जब तक अंतर नहीं होगा, जैसे मैं बोलूं प्रेशर, मान लो ये कंटेनर है, यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है। अब P1 अगर बड़ा है और P2 अगर छोटा है तो गैस कहां से कहां मूव करेगी, P1 से P2 की तरफ। तो ग्रेडियंट डिफरेंस होना जरूरी है। अब यहां पे किसका डिफरेंस बता रहा है, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिख सकते थे, बड़ा आसान हो जाता, लेकिन ग्रेडियंट टर्म हमारा साइंटिफिक टर्म है, है ना। तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब तक डिफरेंस नहीं होगा, मान लो मैंने बताया ना यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है गैस का, यहां कम है, तो गैस कहां से कहां मूव करेगी, यहां से यहां मूव करेगी। तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना यानी कि उसके अंदर ग्रेडियंट होना जरूरी होता है। द परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दैम किस किस पर डिपेंड करेगी, ग्रेडियंट पर। परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, ये देखना पड़ेगा। मेम्ब्रेन सबको अलाउ नहीं करती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, पता है ना, सेल, इसलिए कहा था सेल वाला चैप्टर रिवाइज नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सेपरेटिंग दैम, जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है उसकी परमिबिलिटी अफेक्ट करेगी, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है और प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का यहाँ कितना प्रेशर है, कितना कंसंट्रेशन है, इस मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर, ये सारी बातें हैं जो डिफ्यूजन को क्या करेंगी, अफेक्ट करती हैं। क्लियर है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, वो यहाँ से आता है तुम्हारा। क्लियर है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, क्लियर हो गया। अब ये तो था सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, किस टाइप का है, यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही कि नहीं हो रही। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, डिफ्यूजन लिख करके उसके नीचे तीन चार पॉइंट लिख सकते हो, तो ये सारे जो छः सात आठ लाइनें हैं वो शॉर्ट नोट्स में खत्म हो सकती हैं। अब डिफ्यूजन की एक प्रकार है, वैरायटी है, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड डिफ्यूजन है, तो यानी कि डिफ्यूजन वाली सारी कंडीशन यहाँ वैलिड है, डिफ्यूजन वाली सारी कंडीशन यहाँ वैलिड है। उसके साथ साथ ये फैसिलिएटेड और लग गया है, और समझ लें इसको, क्या लग गया है, फैसिलिएटेड। फैसिलिएटेड मतलब कोई किसी को फैसिलिएट कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है ना। क्या है, कहते हैं, देखते हैं, कह रहा है एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पॉइंट किया जा चुका है, अ ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी बी प्रेजेंट। ग्रेडियंट तो पक्के से होगा, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट खुद से बना लिया जाएगा, ग्रेडियंट होना जरूरी है। एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। फॉर डिफ्यूजन टू ऑकर, डिफ्यूजन होने के लिए ग्रेडियंट मस्ट है, क्लियर है। द डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन साइज, अब देखो यहां पर डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन, यहां पर ना आप कुछ बातें बताने लगा है, हेडिंग डाल लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, एक तो ये आ गया। अब रेट, जो रेट है डिफ्यूजन रेट, अब कुछ और बातें ही बता रहा है, क्या क्या बातें बता रहा है, मॉलिक्यूल के साइज की बात बता रहा है। ऑब्वियसली बात है किसी मेम्ब्रेन से छोटा मॉलिक्यूल जल्दी क्रॉस कर जाएगा, बड़े मॉलिक्यूल को क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। पहला फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ सब्सटेंस, क्लियर है। ओके, ठीक है, ये रहा मेरा पॉइंट, यहां से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली फिर क्या कह रहा है, ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस, कह रहा है बिल्कुल छोटा सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, छोटा सब्सटेंस जल्दी मूव करेगा। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंडेंट, अब एक और बात कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉलिबिलिटी, और किस पे, देखो यानी कि अब यहां पर एक तरह से क्या बात हो रही है, दो पॉइंट, दोनों बातें, साइज और सॉलिबिलिटी किसकी, सब्सटेंस की। तो यहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जनरल था, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सराउंडिंग के कंडीशन थी, यहां पर किसकी बात हो रही है, सब्सटेंस की बात हो रही है। तो सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी, साइज, सॉलिबिलिटी इन लिपिड, लिपिड के अंदर क्यों, हमको बहुत अच्छे से पता है मेम्ब्रेन कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, याद आ गया, याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रो वो होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, पानी पानी की तरफ अट्रैक्ट होता होगा, तो पानी वाला जल्दी इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, क्लियर है।
तो द सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, अगर वो सॉल्युबल लिपिड में है इजिली तो इजिली इसके अंदर से घुसता हुआ अंदर निकल जाएगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, लिपिड क्या है? अब देखो यहां पर क्या बोल दिया उसने, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, यहां बात करे कॉमन लगा दिया द मेजर। अब बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या लाइन आ गई, लिपिड की ही बात कर रहा है लिपिड। अब यहां पे कायदे में अगर ये लिख देते फुल स्टॉप लगा के, लिपिड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, बात क्लियर हो रही है? तो एनसीईआरटी थोड़ा सा क्या करती है, पजल्ड कर देती है, कह रहा है लिपिड के अंदर सॉल्युबिलिटी जरूरी है जो कि विच इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिस कोई चीज किसकी बनी हुई है, ठीक है ना। आगे आते हैं, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन लिपिड, वो फास्टर मूव करेगा। ओके आगे आते हैं, सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी, सब्सटेंस जिसके साथ हाइड्रोफिलिक पानी पानी की तरफ अगर ज्यादा सॉल्युबल हो गया, पानी की तरफ उसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, वो डिफिकल्ट होता है उसका पास होना किससे, मेम्ब्रेन से, अगर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, पानी का लवर है कोई अगर, ठीक है। ओके, देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड, अब क्या कह रहा है, अब उसका तो क्या हो गया है, डिफ्यूज होना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया है, तो उनके मूवमेंट को फैसिलिएटेड होना पड़ेगा, उनके मूवमेंट को थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, कोई क्या करेगा, उनको फैसिलिटी देगा कि आओ भैया, अच्छा आ जाओ, मेम्ब्रेन से दिक्कत है तुम्हें मेम्ब्रेन से दिक्कत है, हम यहाँ लगे हुए हैं, तुम हमारे अंदर से आ जाओ, मेम्ब्रेन से मत जाओ, बात क्लियर हो गई। तो अलग से एक कह लो अब चैनल होंगे, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए एक अलग से चैनल बन जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे उसमें आगे अलग से क्या होते हैं, चैनल होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, ठीक है, तो ये अलग से चैनल होंगे यहां पर, और जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो यहां से क्रॉस ना करके इसके अंदर से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, सिंपल हो गया, आसान क्यों है भैया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसका रीजन समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको घुसने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए प्रोटीन के चैनल बन जाते हैं, प्रोटीन के चैनल एक रास्ता बना लेते हैं, प्रोटीन के चैनल क्या बनाएंगे, एक रास्ता बना लेते हैं, और उन रास्ते से होते हुए आराम से अंदर घुस जाते हैं, बात समझ में आ गई। फिर से देखते हैं, सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी फाइंड इट डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट लगता है टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से पास होना, देयर मूवमेंट, देयर उनका मूवमेंट किसका, हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला सब्सटेंस के मूवमेंट को हैज टू बी फैसिलिटेटेड, तो यहां से बना क्वेश्चन, उसको फैसिलिटेटेड होना पड़ेगा, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस टाइप के सब्सटेंस के लिए होता है, हाइड्रोफोबिक मॉइटी वाले के लिए या हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाले के लिए, क्लियर होगी बात, तो हाइड्रोफिलिक क्लियर होगी बात, ये गुड। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होती है, इस मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है, मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके बीच में क्या घसे होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये एक फैसिलिटी चैनल प्रोवाइड करवाती हैं, साफ साफ बोल रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट, वो जगह प्रोवाइड करवाती हैं एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन, जहाँ पर ऐसे हाइड्रोफिलिक वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, क्लियर है। दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ध्यान रखना, दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये लाइन बोल के ना बच्चा एकदम कंफ्यूज होता है, अक्सर आता है सर ये यहां पे क्या आ गया, अरे वो कहना चाह रहा है कि ये जो प्रोटीन है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेटअप नहीं करेंगे, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना चाहिए यहां पर, ये केवल एक साधन रास्ता देंगे कि भैया यहां से आ जाओ, दाएं बाएं से नहीं जा पा रहे तो मेरे अंदर से आ जाओ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाएंगे, बात समझ में आ गई, अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, वो पहले से ही मौजूद होना चाहिए, डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन चैनल के द्वारा फैसिलिटी भी की जा रही है उसको, तो भी कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए, वो ये प्रोटीन्स नहीं बनाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, क्लियर है, क्लियर होगी बातें, ठीक है ना। तो ये पैरा अपने आप में ना बच्चों को बड़ा भारी लगता है, क्लियर है, चलें आगे। ओके आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल खास तरह की प्रोटीन हेल्प करती है टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराने के लिए,
विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखो डिफ्यूजन लगा हुआ है शब्द, तो एनर्जी तो खर्च नहीं होगी, बिना एनर्जी के ही होगा ये। क्लियर होगी बात, ये पॉइंट नोट करना है यहां पर। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती है। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन कैनॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। वो ऐसा भी नहीं है, वो कह रहा है कि मान लो ये यहां पर क्या लगा है, प्रोटीन चैनल लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर मान लो 100 मॉलिक्यूल थे और इसने एक एक करके पास कराना शुरू कर दिया। अब यहां पर कितने हो गए, 50 यहां पे भी हो गए, शुरुआत में कितने थे 100, अब 50 यहां पे भी रह गए। अब ये नहीं कि इन 50 को भी खींच लेगा, क्यों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो खत्म हो गया। अब पहले यहां 100 थे, यहां 0 थे, यहां 70 हुए, यहां 30 हुए, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो गया, तो अब ये मॉलिक्यूल को नहीं खींचेगा, ये अपने आप से नहीं खींचेगा जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। क्यों, यहां जब ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक मूव करेंगे ये, क्यों, इनको रास्ता मिल गया तो आराम धक्का लगते जाएंगे, लेकिन अब प्रेशर यहां से भी यहां से बराबर है तो ये मूव भी करना चाहेंगे तो यहां वाला धक्का मार देगा, तो अब ये मूव नहीं करेंगे। क्लियर है, तो साफ साफ कह रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैनॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं करा देगा नेट ट्रांसपोर्ट, आओ 100 के 100 तुम सबके सब चले आओ यहां पर, ना 50 आ गए, अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो केवल रास्ता दे रहा है भैया, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, अगर मान लो ऐसा नहीं कि यहां 40 हो और यहां 50 हो तो अब भी ये मूव करा देगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कराएगा ये। दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, अगर ऐसा चाहिए तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फिर वो डिफ्यूजन नहीं रह जाएगा अगर एनर्जी लग जाएगी तो। क्लियर होगी बात। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, कह रहा ट्रांसपोर्ट रेट, अब यहां पे एक नई बात आ गई। अब मान लो एक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर 1, 2, 3 ऐसे मान लो 100 लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, 100 प्रोटीन्स लगे हुए हैं, कह रहा ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, ऑब्वियस ही बात है 100 के 100 इस्तेमाल हो रहे हैं अगर, तो एक साथ कितने मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, 100 फिर 100 फिर 100 मैक्सिमम। अब सैचुरेशन, अब तुम कहो 101 आ जाए सब्सटेंस यहां पर, है ना, यहां पर जो मॉलिक्यूल है एक बार में 100 ही तो आएंगे, क्योंकि 100 के 100 सारे इस्तेमाल में है, तुम कहो 101 आ जाए एक बार में, नहीं आ पाएंगे, क्यों, 100 ही तो है, 100 के 100 भर गए, 100 के 100 पलट दिए यहां पर, 100 के 100 आ गए, 100 के 100 ने ढकेल दिया अंदर, अब जा रहे हैं अपने आप अंदर, तो 100 जब चैनल इस्तेमाल होंगे तो एक बार में 100 ही मॉलिक्यूल आ पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है। मान लो एक दरवाजे से एक आदमी अंदर आ सकता है, एक कमरे में 4 दरवाजे हैं तो मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं एक बार में, 4 लोग, जब सारे दरवाजे फुल होंगे तो 4 लोग तो एक बार में एंट्री कर सकते हैं, तुम कहो 10, उसके 10 दरवाजे होने चाहिए। क्लियर होगी बात। तो कह रहा है ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट यूज हो जाएंगे तो रेट मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि सैचुरेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, सैचुरेशन। तो बात समझते हैं ना, यहां पर डिफ्यूजन रेट की बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस, उसका साइज, उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी के बाद फिर यहां पर क्या आ गया, वो रेट उसकी बात करने लगा, इसके सैचुरेशन की बात करने लगा, किसकी, प्रोटीन चैनल की बात करने लगा, वहां सब्सटेंस की बात कर रहा था, यहां चैनल की बात कर रहा है, ये इस चैनल की, ये पूरे भर जाएंगे तो सैचुरेशन आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ये नहीं कि अनाप शनाप किसी को बुला लेगा अंदर, एक को लेके जाता है, मान लो ए टाइप का मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाता है तो ए टाइप को ही लेके जाएगा, सबको लेके नहीं जाएगा, वेरी स्पेसिफिक। अब 4 प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज, सॉलिबिलिटी, ठीक है ना, और एक और प्रॉपर्टी क्या आ गया, स्पेसिफिक है ये, कैसा है ये, स्पेसिफिक है, इट अलाउ सेल्स टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, ये अलाउ करता है सेल को कि भैया चूज कर लो किसको अंदर लेके आना, मैं उसी को लेके आऊंगा, सेल को परमिशन, सेल की परमिशन लेता है इसको अंदर लेना है किसको अंदर नहीं लेना है। मान लो एक ये है, इसी के साइज का एक और पड़ा हुआ है यहां पर, मान लो ये भी है, बट ये अगर सेल कहेगा नहीं इसको मत लाना इसी को ही लाना, तो वो उसी को लेके आएगा, सबको लेके नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड वेरी स्पेसिफिक, ये वेरी स्पेसिफिक है। क्लियर है, इट अलाउ सेल्स टू सिलेक्ट सब्सटेंस, इट अलाउ जो चैनल है ये अलाउ करता है किसको, सेल को, किसको अंदर लेना है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स व्हिच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, जो इनहिबिटर्स होते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के बने हुए हैं ना ये, इसके साथ में एक साइड चेन भी लगी होती है, वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं आकर के इसके साथ जुड़ेंगे ना, इसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देते हैं,
तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है साथ साथ में सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स भी है, एक और इसकी लाइन आ गई। ठीक है, तो वापस देख लें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस किस पे डिपेंड कर रहा था, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, सॉलिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे, ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटीन के सैचुरेशन पे, ये स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, चार पांच पॉइंट निकल आए, इनको अच्छे से लिखना है, याद करना है। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, अब ये बता रहा है कि ये जो चैनल बनाते हैं ये कौन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म फॉर द मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, अपने अंदर से मॉलिक्यूल को जाने के लिए, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, दीज आर प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है जिसके अंदर से क्या जाएगा, मॉलिक्यूल जाएगा, ये क्लियर, आगे आते हैं, सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, अब यहां पर मार्क कर लेना लाइन, कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, अदर्स कैन बी कंट्रोल, कुछ क्या रहते हैं, गेटेड होते हैं, बंद रहेंगे जब उनको एक खास पोटेंशियल मिलेगा अंदर सेल से कि हाँ जरूरत है, उसका पोटेंशियल उतना बढ़ जाता है, वो खुल जाते हैं, ठीक है, तो कुछ हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ कंट्रोल रहते हैं, कभी खुले रहेंगे कभी बंद रहेंगे, तो इनको हम लोग गेटेड चैनल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गेटेड चैनल, लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर शायद, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, वो पूछ सकता है क्या चैनल हमेशा खुले रहते हैं, नहीं, कुछ खुले रहते हैं हमेशा, कुछ बंद भी रहते हैं और समय आने पे खुल जाएंगे, एक बात, सम आर लार्ज अलाउइंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस, कुछ इतने बड़े होते हैं कि कई सारे वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर से जा सकते हैं, कुछ छोटे भी चले जाएंगे, मान लो अब काफ़ी बड़ा है ये छेद, मान लो इतना बड़ा, अब कोई छोटा मॉलिक्यूल है पता चला वो तो बड़े आराम से निकल जाएगा, तो कुछ इतने बड़े होते हैं कि वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कई सारे अलग अलग मॉलिक्यूल उसके अंदर से आ जा सकते हैं, बात समझ में आया, द पोरिंस छेद, पोर मतलब छेद, उनको बोला गया पोरिंस आर प्रोटीन डेट फॉर्म लार्ज पोर, उन लार्ज पोर वालों को क्या नाम दे दिया गया, पोरिंस इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ये पोरिंस कहां पाए जाते हैं, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में, अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, एक स्मॉल प्रोटीन हमने देखा था ना लास्ट चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल वाले में, प्रोटीन कितना बड़ा होता है ना, डाल्टन के टर्म में उसकी हमने साइज नापा था, उतने बड़े मॉलिक्यूल तक को वो अपने अंदर से अलाउ कर देता है, क्लियर है बातें, नाउ अब कह रहा है फिगर 11.1 यानी कि ऊपर वाला फिगर, ठीक है, शोस एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कई बार कन्फ्यूज रहता है कि हाँ ऐसा होता है, देखो प्रोटीन चैनल ना दो तरीके से काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है ना यहाँ पर छेद होता और ये क्या हो जाए, इस छेद से होता हुआ अंदर आ जाए, और इसका उलट ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ लगा और उसके बाद ये ऐसा गोल घूम जाएगा, है ना, क्या कर जाएगा, ऐसा गोल घूम जाएगा और इस वाले को लेकर के अंदर आ जाएगा और फिर रिलीज कर देगा, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी ने बोल दिया है कुछ पोर्स होते हैं ऐसे खुलेंगे इसको अंदर कर देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि इसको लिया और ऐसे करके गोल घूम गए, रोटेट हो गए, उसको अंदर छोड़ दिया, ऐसा भी होता है, क्लियर है, दोनों तरीके से पॉसिबल है, तो यहाँ पे इसने रोटेट वाली बात बोल दी है, तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है, शो कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर है उस मॉलिक्यूल को बांधेगा, ठीक है ना, और फिर रोटेट करके उसको अंदर रिलीज कर देगा, एग्जांपल इसका एग्जांपल कौन है, वाटर चैनल्स, इसके एग्जांपल्स कौन है, वाटर चैनल्स, ठीक है ना, ओके, मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिंस, कहीं ना कहीं ये बात किसकी चल रही है, पोरिंस की ही चल रही है, किसकी बात चल रही है, पोरिंस की बात चल रही है, जो वाटर चैनल हो रहा है वो बोल रहा है कि 8 एक्वापोरिंस, 8 होल होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है, क्लियर है, कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसका ध्यान रखना है, डिटेलिंग नहीं है बहुत ज्यादा अपने कोर्स में इसकी, केवल ध्यान रखना है मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, 8 डिफरेंट टाइप्स के एक्वापोरिन से मिलकर बना होता है, आगे आते हैं पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स, अब इसमें भी ना जो ट्रांसपोर्ट होता है हम देखते हैं, एक तो ठीक है ये बात समझ में आई कि इसको यहाँ पे ले गया, दो तरीके के और दिखाई पड़ते हैं हमें, क्या है दो तरीके के, सिंपल सी बात बताऊं मैं, होता क्या है ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से इसको ऐसे समझ लो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसा रहता है और एक ऐसा रहता है, इस तरफ से बी को पकड़ा, इस तरफ से ए को पकड़ा और ये ऐसे घूम गया,
बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोड कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी अगर दोनों ऐसे पकड़े और ऐसे करके घूम गया तो ऐसा भी होता है, ये क्लियर है? तो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है ना। जब एंटी एक अंदर जाएगा और एक बाहर आएगा तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं, जब दोनों के दोनों अंदर जाते हैं तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं, क्लियर है? तो सम कैरियर और ट्रांसफर प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। कह रहा है कि ए तभी अंदर जाएगा जब बी बाहर आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये तभी पॉसिबल जब एक अंदर जाए एक बाहर आए। इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, इन एंटीपोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि जो इस कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल का एक साथ जाना जरूरी होता है, अब उसमें ऐसा भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल बाहर आए एक अंदर जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक दोनों मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जाए, ठीक है ना। सम कैरियर और ट्रांसफर प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर दो टाइप्स का उनका जुगलबंदी रहती है। अच्छा, ए और बी की जुगलबंदी तो ए बी की रहेगी, ए और सी का कोई तालमेल नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टूगेदर, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल है, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, सिर्फ हमें यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टूगेदर, ठीक है, अगर दो टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं तो ही ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। सिम्पोर्ट में दोनों एक साथ, एंटीपोर्ट में एक अंदर और एक बाहर, फिगर दिखा रखा है। अब कह रहा है व्हेन अ, क्या कह रहा है, व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे याला केस था, एक जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता दूसरे से कोई, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा ये, यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट को फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट में दूसरे मॉलिक्यूल का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा एंटीपोर्ट में, दोनों एक साथ अंदर जाएंगे सिम्पोर्ट में, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, किस टाइप के मोशन में मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंट रहता है, यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस, तो आंसर है यूनिपोर्ट, है ना, इंडिपेंडेंट किस में रहेगा, यूनिपोर्ट में, इन दोनों में एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, बात समझ में आ रही है, ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, तीसरी वैरायटी क्या आ गई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी, सिंपल सी बात, टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहां पर तुम लोग इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, पंप बोल दिया उसने, पंप का मतलब क्या है, मान लो सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पर ना एक पंप सी लगी रहेगी, पंप के शेप में दिखा दिया मैंने, मान लो एक प्रोटीन है, ठीक है, और ये कैसे घूमेगी गोल गोल, ठीक है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे उसको खींच खींच के अंदर डालेगी, और इस पंप को चलने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी, तो खर्च हो रही है एनर्जी, और यहाँ पर ना आखिरी मॉलिक्यूल तक को खींच के अंदर ले आती है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज़्यादा है, उसके खिलाफ भी खींच लाता है, क्लियर होगी, सिंपल सी बात था, क्योंकि यहाँ पंप का इस्तेमाल किया गया, तो पंप के टर्म में मैंने इसे समझा दिया है, पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज़्यादा, तो कायदे में ज़्यादा से बाहर की तरफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम है, उसके बाद भी इसने अंदर को खींच लिया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक खास स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। हैंस डिफरेंट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट, अब एक लाइन बोल दी उसने कि डिफरेंट प्रोटीन, पीछे की प्रोटीन देखी थी वो पैसिव वाली थी, ये वाली प्रोटीन एक्टिव वाली है। अगर सिंपल एक ऐसी होती प्रोटीन तो ये सिंपल हो गया, पैसिव वाला हो गया, सोचता इसके बगल में एक्टिव वाली प्रोटीन लगी हो, क्लियर है। तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग होती हैं, कुछ एक्टिव कुछ पैसिव, ठीक है। पंप्स आर प्रोटीन, पंप भी क्या है, प्रोटीन ही है, मैंने बताया था ना ये पंप जो है ये प्रोटीन ही होती है, ठीक है, जो एनर्जी खर्च करके अंदर खींचती है। पंप आर प्रोटीन डेट यूज एनर्जी, पंप्स आर प्रोटीन डेट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि वो सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अल्ली पल्ली तरफ लेके जा सके, ठीक है ना, सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के उस तरफ लेके जा सके, क्लियर है। दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, वो वही बातें रिपीट कर रहा है अभी, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन लेके जाएगा, ठीक है। अब ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, विच ऑफ द क्वेश्चन आता कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीन देगा एक गलत दे देगा, तो पकड़ लो यहाँ से। अगली लाइन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, अपहिल मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट बोला गया है।
ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड, वही वाली बात आ गई। अब मान लो ऐसी प्रोटीन यहाँ पे 100 लगी हुई है, तो एक बार में 100 मॉलिक्यूल तो अंदर जाएंगे जब 100 के 100 इस्तेमाल हो रहे होंगे, है ना, तो सैचुरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सैचुरेशन वाली बात आ गई। मैक्सिमम कब आएगी, जब सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे। लाइक एंजाइम्स, एंजाइम्स की तरह ही, एंजाइम पढ़ चुके हम लोग लास्ट लेक्चर में, गुड। लाइक एंजाइम्स द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होता है कि इसको किस सबस्टेट के ऊपर काम करना है, कैरियर प्रोटीन भी स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं अलार्म सर आप यहाँ पे ए बी और सी किसी को भी पकड़ के अंदर डाल देगा, अगर ए को पकड़ना है तो ए को ही पकड़ेगा, चाहे भले बहुत सारे बी हों, अनाप सनाप को नहीं पकड़ता, ठीक है, स्पेसिफिक है। लाइक एंजाइम वेरी स्पेसिफिक, ये भी क्या है, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये स्पेसिफिक है इन व्हाट इट कैरीज, क्या उसको कैरी करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ये भी क्या है भाई, प्रोटीन है तो सेंसिटिव तो होगी, प्रोटीन के बने हुए ना, प्रोटीन तो सेंसिटिव होती है इनहिबिटर के लिए। दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, जब प्रोटीन की साइड चेन होती है उससे क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाता है इनहिबिटर और उसको ठप कर देगा। क्लियर है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी, उसके बारे में 3-4 पॉइंट ऐसे निकाल के अलग अलग लिख सकते हो। कंपैरिजन कर ले, टेबल 11.1 गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म का कंपैरिजन दे रहा है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हैंस शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हाईली सिलेक्टिव। अब है तो प्रोटीन ही ना, चाहे वो एक्टिव करवाए चाहे वो पैसिव करवाए, ठीक है, तो एक कॉमन इसके अंदर क्या चीज है, कॉमन करेक्टर, इसको मार कर लेना, व्हाट इज द कॉमन करेक्टर दोनों में, हाईली सिलेक्टिव, दे आर लेबल टू सैचुरेट, सैचुरेशन भी होगा इनका, रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर, इनहिबिटर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो तीन कॉमन करेक्टर आ गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन के बीच में और पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बीच में, है तो प्रोटीन ही ना, ठीक है। एंड अंडर नॉर्मल रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, तो कॉमन करेक्टर 1, 2, 3 और 4 हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, बात समझ में आ गई। तो कोई तीन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसलिए सारे पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है, फिर क्या कह रहा है, बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक प्लेस ओनली अलोंग ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी, ठीक है ना। बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट, डिफ्यूजन जो होगा चाहे फैसिलिटेटेड हो या ना हो, वो हमेशा ग्रेडियंट के साथ चलेगा, ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, पता ही है हमको। आओ फटाफट से कंपैरिजन कर ले, तो कह रहा है सिंपल डिफ्यूजन क्या रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या खास तरह की मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है, नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यस, देखो यहाँ प्रोटीन चाहिए था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन तो सिंपल हो गया, ये मेम्ब्रेन देखो जो डिफ्यूजन है ना उसमें सिंपल, ये सेल मेम्ब्रेन है, आराम से मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फैसिलिएटेड जो कि हाइड्रोफिलिक थे, उनके लिए खास तरह की प्रोटीन चाहिए थी, तो यस स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, एक्टिव में तो चाहिए चाहिए, पंप होती है वो। हाईली सिलेक्टिव, इसमें तो है ही नहीं भैया सिलेक्टिविटी, क्या है, कुछ नहीं है, जहां पर प्रोटीन का चैनल होगा वहीं पर तो सिलेक्टिविटी वाली बात होगी, तो ध्यान रखना इस चीज को, इन दोनों में प्रोटीन के बने हुए चैनल होते हैं, तो वहां ये लागू होगा, इसमें कुछ चीज लागू नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, इसमें तो भैया जब वो सैचुरेशन कहां से आ जाएगा, जब प्रोटीन का चैनल ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें यस, इसमें भी यस आ गया, सैचुरेशन हो सकता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल मतलब एनर्जी खर्च करेगा, नो, ये यस, इसमें नहीं, रिक्वायर एटीपी, नो नो, इसमें यस आ जाएगा। क्लियर है, अब मेरे ख्याल से ये समझना बड़ा आसान हो गया, कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि हाईली सिलेक्टिव ये क्यों नहीं, अरे भैया यहाँ पे जब चैनल वो प्रोटीन वाला चैनल के यहाँ इस्तेमाल हुआ है, सिंपल में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी वाली कोई बात ही नहीं है, सैचुरेशन वाली कोई बात ही नहीं आएगी, जितना मर्जी आता जाएगा जाता जाएगा। क्लियर है, अगली हेडिंग जो है प्लांट वाटर रिलेशन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतना पढ़ के अच्छे से इसके पॉइंट्स निकाल के बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है, नीट की तैयारी करेंगे, प्लस अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th के साथ साथ इसको इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको नीट के लिए वापस से मेहनत करनी ना पड़े, इसी में आपका मस्त काम हो जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, सब इसी से आ रहा है, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ आती है, एनसीईआरटी को समझने में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी एकदम तुम लोगों के लिए हलवा हो जाए। क्लियर है, और करना क्या है, रिवीजन के अलावा कुछ करना है नहीं, बार बार रिवाइज करोगे इसको। क्लियर है, ऑल द बेस्ट।